ये मेरा वो खूबसूरत सा नज़ारा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, पर अब मैं आ गया हूँ और वाइजैग से जा रहा हूँ, जा रहा हूँ तिरुवनंतपुरम वाया मुंबई। लेकिन करने थोड़ी सी आईपीएल की बात, बोलते क्या हो। चोड़ाई क्रिकेट चौपाल में सभी का स्वागत। अब देख रहे हो काम बहुत करना पड़ता है सब कुछ, ऐसे कैमरा शैमरा ये सेटअप ट्राइपॉड एंड ऑल ऑफ दैट। पर अच्छा है, दिन में जब शूट करता हूँ तो अच्छा रहता है, लाइट अच्छी आ रही होती है। रात को ना लाइटें ढूंढने बड़ी दिक्कत होती है, तो एक और समस्या रहती है। पर आज हमने वैसे जियो सिनेमा पे अपनी हैशटैग आकाशवाणी में क्या किया, पहले तो वैसे कल वाली जरूर देखो, क्योंकि ना उसमें हमने ये भी बताया कि क्यों इतने सारे लोग मैच देखने आए थे और क्यों लोग मैच देख रहे हैं। ये सवाल था ना कि क्यों देखें भाई, मतलब दिल तो टूट गया हमारा। पर सच ये है कि ये हार्ट ब्रेक्स जो है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सोल को ब्रेक कर दें और ये फिर आप उनको खत्म ही कर दें, मतलब आप नाता ही तोड़ लें। नाता नहीं तोड़ते, नाता नहीं तोड़ते। और इस में जो हमने आकाशवाणी की, उसमें हमने दर्शकों से जाके पूछा और उन्होंने बताया कि भाई क्यों आए हो मैच देखने। सो दे वर वेरी गुड, वेल डन। अब जरा आज हम क्या बात करने वाले हैं, सी आज मैं बात करने वाला हूँ आईपीएल, क्योंकि आईपीएल में ना अब वो 26 नवंबर डेट है जिसमें वो जो इंपॉर्टेंट डेट है जब आपको रिटेंशन अपने अनाउंस करने हैं या कहें रिलीज वाले प्लेयर्स को अनाउंस करना है। और कुछ कुछ चीज़ें ऑलरेडी होनी शुरू हो चुकी हैं, कुछ लोग जो हैं वो अभी नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं हम आपको अभी क्यों बताएं, ट्रेड के बारे में तो बता देते हैं, रिटेंशन बाद में बता सकते हैं, मतलब इट्स एंटायरली अप टू एवरीवन, मतलब कोई रूल नहीं है कि आपको अभी बताना है। पर कुछ खबरें तो आईं, सी गौतम गंभीर के कोलकाता जाने की खबर आई, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और उसका मुझे लगता है कुछ एक इम्पैक्ट रहेगा, चीज़ें बदलने वाली हैं। लेकिन गौतम की बात करने से पहले लेट मी गो टूवर्ड्स धोनी का टीम, आई मीन चेन्नई की बात करते हैं, क्योंकि चेन्नई में ना बेन स्टोक्स ने कहा है मैं नहीं खेलूंगा आईपीएल। अब वो नहीं खेलेंगे आईपीएल, विच इज अ मतलब ओके फाइन। क्या उनको चेन्नई रिटेन करने वाला था, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मेरे विचार में नहीं करने वाला था। और दूसरी बात ये कि क्या उनको 16.5 करोड़ में कोई और टीम खरीदने वाली थी। माई टू सेंट्स, बेन स्टोक्स नहीं होने वाला था, नहीं होता ये। तो ठीक किया एक्चुअली उन्होंने, मतलब आई डोंट नो इट्स स्ट्रेटेजिक और एनीथिंग, वाई शुड बी कॉमेंट ऑन इट, और मतलब हम क्यों ही उस पर बात करें। पर सच बात यह है कि 16.5 करोड़ रुपए वहां एकदम से फ्री हो जाते हैं, अंबती रायडू रिटायर हो जाते हैं, तो चलो जी अब आपके पास 20 करोड़ रुपए हो गए, 5 करोड़ रुपए आपको वैसे ही मिलेंगे जब पर्स बढ़ेगा, तो 25 करोड़ रुपए के साथ पहुंचेगी चेन्नई एक बार फिर ऑक्शन टेबल पर। किसको चाहेगी चेन्नई में मुकाबले, नहीं मेरा मन कह रहा है रचिन रविंद्रा के बारे में सोच सकते हैं क्या ये, क्योंकि रचिन रविंद्रा इज अ पॉसिबिलिटी। और दूसरा जो मुझे लग रहा है इसी से कनेक्टेड बात यह है कि सैम करन को छोड़ेगा पंजाब, और छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिन पिचेस पे वो खेलने वाले हैं और जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, इनफैक्ट आई हैव बीन वेरी वोकल कि जो पिचेस वहां पर उनको मोहाली में मिलने वाली है या धर्मशाला में मिलने वाली है या फिर बहुत सारे अदर वेन्यूज में मिलने वाली है, वानखेड़े फॉर एग्जाम्पल, वो पिचेस उनको सूट नहीं करनी और वो नहीं करी हैं, बहुत साधारण प्रदर्शन रहा उनका। और जब ऐसा रहता है और इतने बड़े प्राइस टैग के साथ आते हो ना आप, तो फिर कहते हो रहने दो यार, लेट्स मूव ऑन, किसी और की तरफ चलते हैं। और अगर उनको भी वापस चाहते हो तो आधे पैसों में मिल जाएंगे, तो मतलब उनको रिलीज करके वापस एक्वायर करना इज ऑल्सो ग्रेट बिजनेस पॉलिसी या कहीं डिसीजन हो सकता है। तो सैम करन अगर जाते हैं, छोड़े जाते हैं, तो क्या अगर मान लो 4-5 करोड़ रुपए में ये मिल रहे हो चेन्नई को, चेन्नई को सूट कर सकते हैं, क्योंकि पिच में हॉकी उस प्रकार की और साइड की बाउंड्रियां बहुत बड़ी हैं, और धोनी को बेस्ट निकालना आता है, धोनी स्मार्ट कप्तान है ना, मतलब स्मार्टेस्ट कप्तान है। तो वो मुझे लग रहा है कि रचिन रविंद्रा, सैम करन, ये दो नाम हो सकता है कि थोड़े से चेन्नई को इंट्रीग करें। और अब पैसे बहुत हैं, पैसे हैं खर्च करने के लिए, तो भाई सही है। दिल्ली ने इन द मीन टाइम पृथ्वी, नहीं पृथ्वी कह रहा हूँ सॉरी, मनीष पांडे को छोड़ दिया, पांडे जी को छोड़ दिया और सरफराज को छोड़ दिया। उन्होंने कहा देखिए अब हम किसी और तरफ जाएंगे, थोड़े से पैसे रिलीज हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं रिलीज, पर इंडियन बैटर इनको मिलेगा कौन, आई हैव गॉट नो आइडिया, क्योंकि है ही नहीं ये, जब आप ऑक्शन में पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि है ही नहीं, कहाँ गए, कौन है, कैसे है, क्योंकि कोई भी अच्छा इंडियन बैटर रिलीज नहीं करेगा कोई भी फ्रेंचाइज, तो ऐसे में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचने वाले हैं। और दिल्ली की परेशानी जो है कि जितने बैटर हैं वो सारे टॉप ऑर्डर हैं, फिल सॉल्ट से राइली रूसो तक, पृथ्वी शॉ से यश धूल तक, डेविड वार्नर से हुएवर एल्स तक, तो ये सारे टॉप ऑर्डर के बैटर हैं। ऋषभ पंत के आने का अभी कोई अंदेशा नहीं है कि आ जाएंगे या नहीं आ पाएंगे, सो दैट्स अ बिग वन। और कौन मतलब मूव होगा, मुझे लगता है जोफ्रा आर्चर पे डिबेट होगी, ये मुंबई सोचेगा करें क्या हम, क्योंकि मतलब क्या करना क्या चाहते हैं हम, डू वी स्टे विद हिम, अब तो बुमराह अवेलेबल हो जाएंगे इस बार, 8-8.5 करोड़ रुपए वहाँ अटके हुए हैं, मतलब रखें ना रखें जाने दें, क्या ही पॉइंट है। जोफ्रा को शायद रिलीज करके आप एक पर्स को ढीला कर लेते हैं, थोड़े से आ जाते हैं आपके पास पैसे। एक और जो रूमर इज डूइंग द राउंड्स कि हार्दिक जा रहे हैं, हार्दिक मुंबई की तरफ जा रहे हैं ऐसा सुना है, अब कंफर्मेशन नहीं आई है,
पर अगर वो जा रहे हैं तो आई मीन पहली बात तो गुजरात छोड़ रहे हैं, एक बार जीते एक बार फाइनल में छोड़ के अगर आप जा रहे हो तो क्या मुंबई का कप्तान बनाया जाएगा उनको? अगर कप्तान नहीं बना रहे तो जा क्यों रहे हो? आई मीन सक्सेसफुल कैप्टन. अब आई डोंट नो ऑनेस्टली, इस बात की मुझे कहानी का अभी तक आई हैव नॉट हर्ड द एंड ऑफ इट और द स्टार्ट ऑफ इट प्रॉपरली. तो मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग कि क्या होता है वहाँ पर. क्योंकि होगा तो कुछ लग रहा है, मतलब बिना आग के धुआं नहीं होता, और धुआं तो है कि हार्दिक जा रहे हैं, पर क्या रोहित शर्मा चले जाएंगे GT? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? आई डोंट नो, ऑनेस्टली आई डोंट नो. हो सकता है कि कोई नया कप्तान आपको नजर आ जाए. उस टीम को जब मैं देखता हूँ तो ज्यादा कप्तान नहीं दिखते, ओवरसीज कप्तान मुझे नहीं लगता आशीष नायरा बनाने वाला है. तो केन विलियमसन राशिद खान की तरफ नहीं जाएंगे, सो देन बचता ही कौन है? एक ही बंदा बचता है, वो है शुभमन गिल. बट वी शैल सी यार कि क्या होता है, वो बनते हैं कप्तान नहीं बनते, आई डोंट नो येट. मतलब आशु के साथ मैंने समय बिताया पर आई डोंट नो येट, मुझे नहीं पता है. एक और चीज मुझे लग रही है कि और कौन कौन जा सकते हैं. सी आंद्रे रसल के ऊपर निगाहें रहेंगी, क्या इनको टीम रोकेगी या जाने देगी, दैट्स वन बिग पॉइंट कि किसको छोड़ते हैं. उसके बाद मैं सोच रहा हूँ, विनेश शेवर तो ऑलरेडी जा चुके हैं मुंबई की तरफ, राजस्थान ने भी एक ट्रेड ऑलरेडी कर लिया है, देवदत्त पाडिकल आ गए हैं, और आप देवदत्त पाडिकल चले गए हैं और आवेश खान आ गए हैं, तो उनके पास भी कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि आवेश 10 करोड़ के थे, देवदत्त पता नहीं 6-7 करोड़ जितने के भी होंगे, तो पैसे तो कम ही बचेंगे. राजस्थान को पैसे रिलीज करने थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं. पर ये भी सही है कि शिवम माँ भी हो सकता है यार, बहुत महंगा खिलाड़ी था. मैं ना देख रहा हूँ कौन कौन से महंगे खिलाड़ी हैं जिनको खेलने का मौका नहीं मिला, तो शिवम मावी का नाम उस सूची में आता है कि क्या उनको रिलीज किया जा सकता है, और अगर खरीदना है तो बायबैक सस्ते में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. उनकी मुझे पॉसिबिलिटी थोड़ी नजर आती है. आंद्रे रसल पे मैं बहुत इंट्रीग के साथ देखूंगा. शार्दुल ठाकुर मुझे लगता है रिलीज होंगे पक्का. शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, यहाँ 20 करोड़ है, 20 करोड़ बहुत पैसे होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि रिलीज में आप उनका नाम शायद पढ़ लेंगे फ्रॉम द कोलकाता फ्रेंचाइज. आंद्रे रसल आई एम नॉट श्योर, बहुत लंबा इनका मतलब रिश्ता रहा है, पर क्या उस रिश्ते में अब आ गई है दरार, वी शैल फाइंड आउट. आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, आज के लिए मेरे पास इतना ही है, तो देखते हैं कि क्या होता है. 26 तारीख को कन्फर्मेशन आ जाएगी, तो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मतलब रूमर्स को लेकर और स्पेकुलेशन को लेकर इतना ही है, मतलब बाकी जब होगा तो फिर उसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना. 26 तारीख को मैच भी है, 26 तारीख को ये रिटेंशन का भी है, और 26/11 मेरे को कुछ याद भी दिलाती है, या नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव, मुंबई में हुआ था, या वो भी याद आता है, मतलब भुलाया नहीं है मैंने, आपको नहीं भी नहीं भुलाना चाहिए. बट आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आप देख रहे थे चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल, और आज की आकाशवाणी में आपको मिलेंगे प्रसिद्ध कृष्णा, उनका मेरा पहला. कल की आकाशवाणी में आपको मिलेगा मैच की पूरी कहानी विद एक्सीलेंट फुटेज. तो अभी के लिए इतना ही है, और कॉमेंट सेक्शन बताना इस बार हम थोड़ा कॉमेंट्री में वो जेन जी वाला काम कर रहे हैं कि मिलेनियल वाली बात कर रहे हैं थोड़ा सा. सो एलिगेंट, सो ब्यूटिफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ. अच्छा लगा नहीं लगा बता देना यार. अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, बिफोर आई गो, जियो सिनेमा की ऐप में वो समस्या आ रही थी, 404 एरर आ रही थी. वी एक्नॉलेज इट, और हमने उसको ठीक करने का प्रयास भी किया, तो सॉरी अबाउट इट. मैं जियो सिनेमा की तरफ से माफी मांग लेता हूँ. जिसको दिक्कत आई थी तो उसको एड्रेस कर दिया गया, तो होपफुली सीमलेस ब्रॉडकास्ट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. पहले मैच में जो थोड़ी सी आपको असुविधा हुई उसके लिए खेद है, रियली सॉरी.